नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल अबाउट एसएससी एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि मैं लाइव हो गया हूं और आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे। काफी समय से आप मेरा इंतजार कर रहे थे, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आज है बसंत पंचमी और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सभी के जीवन में कृपा बनाए रखे और आप जो भी पढ़ें वो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहे, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें माँ सरस्वती आपको बहुत बहुत ज्यादा सफलता दे। तो बोलो प्यार से सरस्वती माता की जय। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। और आज का करंट अफेयर्स लेट इस वजह से हुआ क्योंकि घर में पूजा थी और थोड़ा सा शोर हो रहा था, तो मुझे कहा कि तब सन्नाटा हो जाएगा तो ही मैं आपका करंट अफेयर्स ले पाऊंगा, क्योंकि फिर आपको मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता और वो मतलब पढ़ाने में भी मुझे भी मजा नहीं आता कि उधर पूजा हो रहा है और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो फिलहाल बिल्कुल बिना भी किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह रीजनिंग में राहुल मिश्रा नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लो। रोज रोज मैं बताता हूँ, आप ज्वाइन करते नहीं हो, पता नहीं क्यों नहीं करता, लेकिन कर लो। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ गया, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज गड़बड़ हुई है, गिव मी वन सेकेंड। ये 5 जनवरी का करंट अफेयर्स आ गया, गिव मी वन सेकेंड यार, ये कभी कभी लोचे हो जाते। वन सेकेंड, एक सेकेंड लगेगा भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, अब 5 फरवरी का है। हो जाता है कभी कभी, देखो जब बहुत सारे काम आप सुबह सुबह कर रहे होते हैं ना, 5 जनवरी का ही करा दे। कभी कभी बहुत सारे काम आप कर रहे होते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। फिलहाल 5 फरवरी के करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर है, और 5 फरवरी के करंट अफेयर्स में सबसे पहले वही जानकारी, भाई रीजनिंग भाई राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लो, बार बार मैं बोलता हूँ। इसके अलावा आपका एजुकेशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ऑफर हम लोग लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर आप मॉक टेस्ट के जो प्राइस है वो आप डिसाइड करेंगे। होने ये वाला है कि मैं जो सेशन लूंगा तो जितने ज्यादा लाइव काउंट होते जाएंगे वैसे वैसे उसका प्राइस डिक्रीज होता जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आइए, क्योंकि जितना आप ज्यादा लाइव आ जाएगा उस सेशन पे वैसे ही उसका प्राइस डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, हम लोग इसको लेकर के आने वाले हैं। अभी आप कहीं पर मॉक लेने जा रहे हैं तो मत लीजिए। इसके अलावा मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन कल रविवार को हम लोग 12:30 बजे के आसपास एक इवेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। बहुत छोटा सा इवेंट होगा, 10 से 20 25 मिनट का होगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आपको कैसे एनालाइज करनी चाहिए और उसको किस तरीके से नोट डाउन करना चाहिए, ताकि आप अपने मॉक टेस्ट को सही से एनालाइज कर पाए और आप ये जान पाए कि उसमें कौन कौन सी चीजें आपके काम की है और कौन सी आपके काम की नहीं है। हैप्पी बसंत पंचमी सभी को भाई। अगला आज हमारी अब बारी है हमारे आज के हेडलाइंस की। 4 फरवरी को हमने मनाया वर्ल्ड कैंसर डे। गणतंत्र दिवस की परेड में यूपी की झांकी को पहला पुरस्कार एक बार फिर से मिला, पिछली बार भी मिला था। भारत में जन्मी कवित्री निधि जग को डायलन थॉमस पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया। भारतीय सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को आईएएससी में स्थापित किया गया, आईएएससी बेंगलोर में, इसका नाम है परम प्रवेगा। सोनाली सिंह लेखा महानियंत्रक का प्रभार दिया गया है, ध्यान रखिएगा ये कैग नहीं है, ये है सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। दीपक दास चले गए हैं। भारत ने बीजिंग शांतिकालीन ओलंपिक 2022 के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। स्पेसएक्स ने किया 49 स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च। पश्चिम बंगाल शुरू करेगा ओपन एयर क्लासरूम परय शिक्षालय। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कमालपुर में तीसरे भारत बांग्लादेश सीमा हाट की आधारशिला रखी। नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य रेलवे की किसान रेल की 1000वीं यात्रा को हरी झंडी दिखाई। जीए श्रीनिवास मूर्ति को रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल का निदेशक नियुक्त किया गया। रवि मित्तल को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और अब बारी है प्रीवियस डे रिवीजन की, यानी कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो कुछ इस तरीके से था कि किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट
जेट केयर लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये आपका लॉन्च हो रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई में। आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से डैरिल मिशेल को सम्मानित किया। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड पाने वाले ये खिलाड़ी किस देश के हैं? तो ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। कमेंट पे आंसर करते रहिएगा और जोरदार तरीके से एक बार शेयर कराइए। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज कौन से नंबर पर पहुंची है? मिताली राज दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की एलिशा हिली है और छठे नंबर पर आपकी स्मृति मंदाना। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम ने भारत सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो भारत सरकार की हिस्सेदारी वाली ये 100% फर्म है जो आपके पीएसयू में जो भी खाली जमीन पड़ी हुई है उनके अधिग्रहण का काम धाम संभालेगी। भारतीय नौसेना की पांचवी स्कॉर्पिन पनडुब्बी, उसका नाम क्या है? आईएनएस वागीर जो है वो आपकी पहला समुद्री परीक्षण जो है उसका शुरू हो गया है। नहीं, मंडे से आज कल आपका करंट अफेयर आएगा नहीं, कल संडे है और मंडे से आपका करंट अफेयर डेफिनेटली 7 पे ही आएगा, मतलब कि सुबह 7 बजे ही आएगा। तो ये अनाउंसमेंट है, इसको सोच कर नोट कर लीजिए कि सुबह 7 बजे ही आपका करंट अफेयर आया करेगा मंडे से। मैं अभी कुछ परेशानियों में चल रहा था, आंख की वजह से चल रहा था, लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि मुझे 7 बजे ही करंट अफेयर सुबह मंडे से लेना पड़ेगा। तो सुबह 7 बजे आएगा करंट अफेयर। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश फरवरी 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य बन गया है? तो वह है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। देश में पहली बार 1 से 10 मई के बीच राज्य स्तर पर ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन सा राज्य करने जा रहा है? तो 8000 खिलाड़ी लगभग यहां पर भाग लेंगे। शुभंकर इसका नीरज है, नीरज चोपड़ा के नाम पर एक खरगोश का नाम नीरज रख दिया गया है। केरला में ये होने जा रहा है। कहां पर होने जा रहा है? केरला में। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन ने मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अगस्त 2022 में हमारा चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया जाएगा। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक अभियान में कौन शामिल हो गया है? भारत इस अभियान में शामिल हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर भुगतान करने वाले व्यापारियों को करदाता कार्ड देने की घोषणा की है? तो करदाता कार्ड जो होगा वो केरला सरकार देने वाली। कौन सी सरकार देने वाली? केरला सरकार यहां पर करदाता कार्ड देगी, रेटिंग प्रदान करेगी। किस राज्य सरकार ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? तो असम सरकार ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है ताकि वहां जो 4 से 5 लाख फाइलें लंबित पड़ी हुई उनको निपटाया जा सके। और अब बारी है आज के करंट अफेयर्स करने की। आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहली जानकारी, दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कैंसर जो है वो कई तरीके का होता है और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रखी गई है क्लोज द केयर गैप, यानी कि आप कम से कम उसका केयर करें और जिस तरीके से कैंसर फैलता है उसके रोकथाम के बारे में पता लगा लें जिससे आपको ज्यादा आसानी हो। तो हर साल 4 फरवरी को दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका थीम है क्लोज द केयर गैप। पहली बार विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत 4 फरवरी 2000 को की गई थी और ये आपका पहली बार कब मनाया गया था? 4 फरवरी 2000 को पेरिस में न्यू मिलेनियम में। इसके अलावा 4 फरवरी को एक और दिन मनाया जाता है जिसे अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का रूप दिया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी में क्या हुआ था कि एक बार 4 फरवरी 2019 को हमारे पोप फ्रांसिस और अल अजहर के बीच ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब के बीच बातचीत में बैठक हुई थी और एक तरीके से यहाँ पर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को मिलाने की कोशिश की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे का जो संदेश दिया गया था। इसलिए हर साल हर 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस पिछले साल ही मनाया गया था और इस दिन अवार्ड्स की घोषणा भी होती है, हो सकता है जिसके बारे में मैं आपको मंडे को बताऊं क्योंकि अभी मुझे इसके अवार्ड की घोषणा मिली नहीं है। अगर हो जाएगा किसी वेबसाइट में मिल जाएगा तो मैं आपको मंडे को बता दूंगा कि कौन कौन से ये हुए थे। तो पहला अंतरराष्ट्रीय मानव बंधु दिवस कब मनाया गया था? 4 फरवरी 2021 को। इसलिए ये आने वाले अपकमिंग एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार ये दूसरा मनाया जा रहा है और ये पहला आपने 4 फरवरी को कौन कौन से डे मनाए? वर्ल्ड कैंसर डे मनाया और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मानव बंधु दिवस मनाया। इसके अलावा फरवरी में कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जिनको हम शायद कल भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं एक बार जल्दी से डिस्कस कर देता हूं। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया।
चार फरवरी को हमने मनाया वर्ल्ड कैंसर डे। इसके अलावा अगर हम देखें तो 4 फरवरी को हमने मनाया अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस। 6 फरवरी छोड़ देते हैं, हाँ, नेशनल डीवॉर्मिंग डे 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी छोड़ दीजिए, 11 फरवरी ये वाला लेना होगा, अंतर्राष्ट्रीय वीमेन गर्ल, अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिलाएं और बालिकाओं के विज्ञान में दिवस के लिए, मतलब विज्ञान में महिला एवं बालिकाओं की भागीदारी विज्ञान में, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इसके अलावा वर्ल्ड रेडियो डे याद रखिएगा, 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन भी उसी दिन मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे याद रखिए 28 फरवरी को, नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को, सॉरी हाँ 28 फरवरी को, और कौन सा रह गया, आई थिंक बाकी तो आपको पता ही है, 14 फरवरी और अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे, वो तो कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेज है, इनको याद रखें। आगे बढ़ते हैं, भारत ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ये कहां पर आयोजित किए जा रहे थे, देखिए ये आयोजित किए जा रहे हैं बीजिंग में, 4 फरवरी से इनकी शुरुआत हो गई है और ये 24वां शीतकालीन ओलंपिक है। ये कौन सा ओलंपिक है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक है, इसके बारे में हम और चर्चा कर लेंगे। अब बात यहां पर यह आती है कि भाई क्यों बहिष्कार का निर्णय लिया। 15 जून सन 2020 पूर्वी लद्दाख में एक जगह है गलवान घाटी। कौन सी जगह है, गलवान घाटी। वहां पर आपको याद होगा कि भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच में झड़प हो गई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और चाइना ने कहा था कि हमारा तो एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, जबकि बाद में कल पिछले साल फरवरी उन्होंने स्वीकार किया कि भाई हमारे भी 5 जवान शहीद हुए हैं, और कल मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें पता चला 36 जवान उनके शहीद हुए। तो ये अलग अलग आंकड़े हैं, पता नहीं कौन सा सही है कौन सा गलत है। हाल फिलहाल इस घटना में जो एक ऑफिसर शामिल था उसको इन्होंने क्या कर दिया, बीजिंग ओलंपिक की मसाल दे दी कि जाओ तुम इसको टहलाओ। इससे भारत को बहुत ज्यादा नाराजगी हुई और भारत ने क्या कहा है कि भाई हम इसमें नहीं जाएंगे, यानी कि ना तो ओपनिंग सेरेमनी में जाएंगे ना ही क्लोजिंग सेरेमनी में जाएंगे, यानी कि भारत का कोई भी जो डिप्लोमेट्स है राजनयिक जो है वो यहां पर नहीं जाएगा। अब क्या भारत के खिलाड़ी भी नहीं जाएंगे, नहीं खिलाड़ी जाएंगे, भारत की तरफ से एकमात्र ओलंपिक खिलाड़ी जा रहा है और उनका नाम है आरिफ खान जो शीतकालीन ओलंपिक में खेलते हैं, तो वो वहां पर जा रहे हैं। तो हाल फिलहाल भारत ने क्या कर दिया है, बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार कर दिया है डिप्लोमेटिक फॉर्म में। डिप्लोमेटिक फॉर्म का मतलब यह है कि राजनयिक नहीं जाएंगे लेकिन खिलाड़ी हमारे जाएंगे। तो आरिफ खान जो है वो वहां पर जा रहे हैं और इसलिए बहिष्कार करने का फैसला किया है, और इसमें भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी बीजिंग ओलंपिक में खेलने जा रहे हैं, उनका नाम क्या है, आरिफ खान। ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओलंपिक की। तो ओलंपिक के बारे में काफी सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि किसने गोल्ड मेडल जीता, वो सारी बातें आपको याद होंगी। अल्टीमेटली डेटा आप जरूर याद रखिए कि टोक्यो ओलंपिक जो अभी हाल ही में हुआ वो कौन सा संस्करण था, वो 32वां ओलंपिक था। टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण था, 32वां ओलंपिक था, जिसमें भारत 48वें नंबर पर रहा पदक तालिका। भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर जीते थे, 4 ब्रॉन्ज जीते थे और कुल मिलाकर 7 पदक हमने यहां पर जीते थे, जबकि टॉप पर रहा था यूनाइटेड स्टेट जिसने कुल 113 पदक जीते थे, चाइना दूसरे नंबर पर जिसने 88 पदक जीते थे। पैरालंपिक की बात करें तो भारत इसमें 23वें नंबर पर रहा और इसमें से 5 गोल्ड मेडल थे, 8 सिल्वर थे और 6 आपके ब्रॉन्ज थे। टोटल 19 पदक जो है वो भारत ने यहां पर जीते थे और भारत ओवरऑल में 23वें नंबर पर रहा था, जबकि पैरालंपिक में पहले नंबर पर चाइना रहा था। यहां पर एक छोटी सी फोटो नजर आ रही है, क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं, कोई पहचान सकता है ये छोटी सी फोटो का क्या मतलब है, इन छोटी सी फोटो का क्या मतलब है, क्या आप इसे पहचान सकते हैं? मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा सकता हूं ये फोटो, तब शायद आप पहचाने, इंपॉर्टेंट है इसलिए दिखा रहा हूं। अभी पहचान पा रहे हैं आप, अब पहचान पाएंगे, वेरी वेरी गुड, किसी ने सही बता दिया है और यह है रोशन कुमार। थोड़ा सा शेयर कराएं बहुत तेजी से साथ, अभी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को यार, ऐसा मत करो, इतना नाराज मत हो जाओ। देखिए ये है सुहास यतिराज एलवाई की तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में एक प्रश्न आ गया एक एग्जाम में कि ऐसा कौन सा आईएएस ऑफिसर है जिसने यहाँ पर पैरालंपिक में भारत के लिए पदक जीता, ऐसा कौन सा आईएएस ऑफिसर है जिसने वहां पर पैरालंपिक में भारत के लिए पदक जीता। तो ये नोएडा के डीएम है, ये कहाँ के डीएम है, नोएडा के डीएम है या रहे हैं लेकिन नोएडा के से संबंधित है इनका, और इनका नाम है सुहास एलवाई। इन्होंने भारत को पैरालंपिक में बैडमिंटन में
सिल्वर मेडल दिलवाया था, किस खेल में सिल्वर मेडल दिलवाया? बैडमिंटन में। तो प्रश्न ऐसा बन सकता है कि सुहास एलवाई का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। कौन सा मेडल दिलवाया? सिल्वर मेडल दिलवाया, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी हो, एक आईएएस अधिकारी मतलब अपने पढ़ाई में भी बढ़िया हो और खेल में भी बढ़िया हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बैडमिंटन से, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं किलर पॉइंट्स के, कि अभी न्यूज रिलेटेड टू ओलंपिक क्या क्या चल रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो ये जो आपका बीजिंग में ओलंपिक होने वाला है, ये कौन सा संस्करण है? 24वां संस्करण है। पहला कब हुआ था? पहला आपका हुआ था 1924 में। मैं विंटर ओलंपिक की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं विंटर ओलंपिक की बात कर रहा हूं। 1924 में कहां पर हुआ था? फ्रांस के चामोनिक्स में। कहां पर हुआ था? फ्रांस के चामोनिक्स में होगा। कहां पर हुआ था? फ्रांस के चामोनिक्स में हुआ था। अच्छा, अभी आपका हो जाएगा 2022 में, कहां पर हो जाएगा? बीजिंग में हो जाएगा। 2022 में कहां पर हो जाएगा? बीजिंग में हो जाएगा। क्या आप बता देते हैं 2026 में कहां पर होगा? 2026 में ये मिलान में होगा। मिलान और एक और सिटी है कॉटलिना करके, कैरोलिना करके, मिलान इटली में होगा। मिलान इटली में ये प्रस्तावित है। 2030 की अभी घोषणा हुई नहीं है। तो 2022 का कहां पे हो रहा है? बीजिंग में हो रहा है। 2026 का कहां पर होगा? मिलान में होगा। अभी हमने जो ओलंपिक देखा, 2022 का, वह कहां पर हुआ था? वो टोक्यो में हुआ था। टोक्यो यानी कि जापान में हुआ। 2026 का जो ओलंपिक होगा वो आपका कहां पर प्रस्तावित है? वो आपका पेरिस में प्रस्तावित है। कहां पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2030 वाला कहां पर होगा? लॉस एंजल्स में होगा। 2030 वाला कहां पर होगा? लॉस एंजल्स में होगा। और 2036 वाला कहां पर होगा? 2036 वाला आपका ब्रिस्बेन में होगा। सॉरी, 2034 वाला, गड़बड़ कर दिया मैंने, 22, 24, 26, 24, 30, 34। हाँ, 2034 वाला आपका कहां पर होगा? ब्रिस्बेन में होगा। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये 2020 ओलंपिक था, ये 2024 ओलंपिक है, और ये 2028 ओलंपिक है, और ये 2032 ओलंपिक है, क्योंकि मेरे से गड़बड़ ये हो गई, मैंने इसको 2022 बोल दिया। टोक्यो वाला 2020 का था, है ना, ये हुआ 2 साल बाद कोविड की वजह से। ये 2024 वाला होगा, ये 2028 वाला होगा, वही मुझे ब्रिस्बेन में आया था कि 2032 में होना चाहिए, ये काट दीजिए, ये कर लीजिए, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, ये बात आपको समझ में आ गई, इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। और अभी हमारे जो बीजिंग विंटर ओलंपिक होने जा रही है, इसमें जो है हमारी तरफ से कौन जा रहा है? भारत की तरफ से आरिफ खान जा रहे हैं। क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई विंटर ओलंपिक में भारत की तरफ से जा रहा है? नहीं, 1964 में इंसबर्ग में ओलंपिक हुए थे विंटर ओलंपिक, उसमें भारत से जेरेमी जो थे वो जा चुके हैं, मतलब ये पहले खिलाड़ी नहीं आरिफ खान जो विंटर ओलंपिक में भारत को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। आगे बात करते हैं, बीजिंग ओलंपिक कौन सा एडिशन है? हमने बात कर ली, 24वां एडिशन है। बीजिंग ओलंपिक का एक बायकॉट ग्रुप बना हुआ है उइगर मुसलमानों के खिलाफ। ये 4 देश ऐसे हैं जो बीजिंग ओलंपिक का बायकॉट कर रहे थे, और चाइना ने इनको धमकाया भी है कि बेटा इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुमको। तो ये 4 देश कौन से हैं? सी फॉर कनाडा, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस, और इसमें भारत भी अब शामिल हो गया है। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ये पहले से ही उइगर मुसलमानों के लेके मानवाधिकार को लेकर के ये बीजिंग ओलंपिक का क्या कर रहे थे? बायकॉट कर रहे थे। अभी हाल ही में डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मेंस फॉर वेट लिफ्टिंग बुलाए गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अविनाश पांडू। इनका नाम क्या है? अविनाश पांडू, ताकि भारत में जो है वो पदक वाले लोगों को डेवलप किया जा सके। ये एक कोच को ट्रेन करेंगे, बाकी जो वेटलिफ्टिंग के कोच हैं उनको ये ट्रेन करेंगे। तो इनका नाम क्या है? अविनाश पांडू, याद करेंगे। हाँ जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलन थॉम्पसन हेरा ऑफ जमैका, ये नाम क्यों ले रहा हूं मैं? एलन थॉम्पसन हेरा ऑफ जमैका को अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वीमेन एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। किससे सम्मानित किया? वीमेन एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। वीमेन एथलीट ऑफ द ईयर, हर साल वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार देता है ना, तो ये जमैका की थी, ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इनको ये सम्मानित किया गया। ठीक है, हाँ, भारत ने भी राजनयिक बहिष्कार कर दिया, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। कार्स्टन वॉलहोम जो है ये नॉर्वे के हैं, इनको मेन्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। इनको किसका पुरस्कार दिया गया? मेन्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया वर्ल्ड एथलेटिक द्वारा। इसके अलावा टाइम एथलीट ऑफ द ईयर, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने टाइम वाला भी रख दिया, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था सिमोना बाइल्स को। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया था? सिमोना बाइल्स को। वर्ल्ड वुमेन ऑफ द ईयर, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वर्ल्ड एथलीट वीमेन एथलीट ऑफ द ईयर है, ये वीमेन ऑफ द ईयर है, ये अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला। ये किसको मिला है? अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है, अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे रिवाइंड करा दिया कि भाई आप एथलीट ऑफ द ईयर मैंने बताया, आप कहोगे सर वो भी एथलीट ऑफ द ईयर, वो भी एथलीट ऑफ द ईयर है, क्या मामला? तो भाई ये जो है ये वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर है,
ये वीमेन ऑफ द ईयर है, मतलब इन्होंने महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए, इसलिए अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया। धन्यवाद मुंगेर की धरती से। थोड़ा और शेयर कराओ भाई वीडियो को, अभी मजा नहीं आ रहा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो ये है स्पेसएक्स। अभी हम बात करें तो स्पेसएक्स भाई 143 टोटल लॉन्च कर चुका है जब से ये बना है। 2018 से स्पेसएक्स काम कर रही है और सबसे बड़ा उनका जो प्रोजेक्ट है वो स्टारलिंक उपग्रह है। स्टारलिंक कैंस्टिलेशन यानी कि वो पूरे पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा नक्षत्र बना रहे हैं, कई सारे सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। लगभग 1700 सैटेलाइट उन्हें लॉन्च करने हैं। 1700 सैटेलाइट के जरिए वो क्या करेंगे, आपको सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। अभी विश्व के 25 देश जो हैं, अभी विश्व के कितने देश, 25 देश इसके स्टार लिंक जो उपग्रह है, जो उनका पूरा मॉड्यूल है, उसके इंटरनेट सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं और इसके जरिए ही स्पेसएक्स अपनी मेजर पोर्शन को कमा रहा है। स्पेसएक्स जो है ये एलन मस्क की कंपनी है। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है, जो इससे पहले टेस्ला के भी संस्थापक रहे, इससे पहले पेपाल भी उन्होंने बनाया। तो एलन मस्क स्पेसएक्स के मालिक हैं और उन्होंने अभी हाल ही में 143rd लॉन्च किए हैं। 25 देश जो है इस स्टारलिंक उपग्रहों का फायदा उठा रहे हैं। आप देखेंगे कि वो इस तरह के लॉन्चिंग करते रहते हैं और अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर अभी तक, यानी अभी मात्र दो कितने दिन हुए हैं, महीनों के मतलब 34-35 दिन के अंदर उन्होंने 5 बार सैटेलाइट लॉन्चिंग कर दी है। 5 बार सैटेलाइट लॉन्च यानी कि 5 अलग अलग वहां पर लॉन्चिंग भेजी गई। उनके पास एक फॉल्कन 9 रॉकेट है। इस रॉकेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसका जो पहला पार्ट है उसको दोबारा बार बार रीयूज किया जा सकता है, यानी कि ये जाता है, छोड़ के चला आता है, फिर वापस आ जाता है, फिर इसमें लाद दो, फिर चला जाएगा, फिर छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए इनके जो सैटेलाइट लॉन्चिंग है वो दुनिया में सबसे सस्ते हैं और ये इसरो के लिए एक बड़ा कंपटीटर बन के निकल रहे हैं। नेशनल स्पेस, हमारे पास एनसिल है जो इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई है, उसका ये बड़ा कंपटीटर बनकर उभरा है स्पेसएक्स। तो स्पेसएक्स क्या कर रहा है, ये तो इन्हीं के सैटेलाइट है जो 49 स्टारलिंक सैटेलाइट है। अभी हाल ही में इन्होंने कई सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और इस तरीके से स्पेसएक्स ने अपने बढ़ते स्टारलिंक इंटरनेट मेगा कॉन्स्टिलेशन में 49 उपग्रह और शामिल कर दिए हैं। इसके अंतर्गत 1700 सैटेलाइट इन्हें लॉन्च करने हैं। ये इसी तरह से बराबर लॉन्च करते चले जा रहे हैं। एक बार इन्होंने 100 से ऊपर सैटेलाइट लॉन्च कर दिए थे, जो कि रिकॉर्ड है कि एक बार में 106 सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किए। ठीक है, मानव दिमाग में चिप डाल रहा है, हाँ बढ़िया। एक फॉल्कन 9 रॉकेट ने 3 फरवरी को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी और 49 नए स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया। समूह 47 के रूप में जाने जाने वाला स्टारलिंक एक नया सेट कॉन्स्टिलेशन में 1800 से अधिक कार्यात्मक उपग्रहों को शामिल होगा। यह 2022 में तीसरा स्टारलिंक लॉन्च था, यह तीसरा स्टारलिंक लॉन्च था। लेकिन स्पेसएक्स लॉन्च की अगर हम बात करें तो व्हाट हैपेंड, ठीक है हाँ, अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है कि एक इटली का सैटेलाइट लॉन्च किया था और एक और बहुत बहुत चर्चा में रहा एक लॉन्च इनका NROL 87 एक 87 है। ये यूएस का मिलिट्री सैटेलाइट था। अब आप कहोगे सर इसमें कट बड़ी बात क्या होगी, देखिए किसी प्राइवेट कंपनी को यूएस मिलिट्री अपना अगर एक खुफिया सैटेलाइट लॉन्च करने को दे रहा है तो उस कंपनी की वैल्यू आप समझ सकते हो। मतलब नासा से नहीं लॉन्च कराया इन्होंने, यूएस मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया NORL 87, ये यूएस मिलिट्री। इसके अलावा इन्होंने इटली का भी एक लॉन्च किया है अभी हाल ही में, वो अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट था, उसका नाम था कॉस्मो स्काई मेट। उसका नाम क्या था, कॉस्मो स्काई मेट, क्या नाम था उसका, कॉस्मो स्काई मेट। ठीक है, तो ये जो स्टारलिंक परियोजना है इसमें 1800 है, मतलब मैंने 1700 पढ़े लेकिन 1800 लॉन्च करने वाले उन्हें। 2022 में उनका स्टारलिंक तीसरा था, अभी तक 143rd टोटल लॉन्च वो कर चुके हैं, किए तो ज्यादा है लेकिन 143rd जो है वो एकदम सफल लिया चुके। तो ये किसने लॉन्च किया है, स्पेसएक्स ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किस राज्य की झांकी को पुरस्कार मिला है? तो प्रथम पुरस्कार गया है आपका उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश की झांकी को, दूसरा आपका कर्नाटक को गया है, तीसरा आपका मेघालय को दिया है, जबकि महाराष्ट्र की झांकी को लोकप्रिय कैटेगरी की कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है, सरकार द्वारा झांकी पुरस्कार निकाले जाते हैं, इसके अलावा कुछ पुरस्कार वोटिंग के आधार पर निकाले जाते हैं। तो जो वोटिंग के आधार पर निकाले गए हैं उसमें महाराष्ट्र की झांकी को टॉप दिया गया है, जबकि सरकार की तरफ से जो कैटेगरी निकाली गई है उसी को मान्यता दी जाती है, तो उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी एक बार फिर से पहले नंबर पर आया है। इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी की जो थीम थी वो काशी विश्वनाथ धाम थी,
इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी की जो थीम थी वो काशी विश्वनाथ मंदिर को वहां पर दर्शाया गया है। हैप्पी बसंत पंचमी भैया। तो गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। यूपी की झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम पर आधारित थी। महाराष्ट्र ने लोकप्रिय पसंद श्रेणी में, मैंने बोला ना वोटिंग के आधार पर, पॉपुलर चॉइस के आधार पर महाराष्ट्र की झांकी को पहला स्थान मिला। तो हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगा दे और पॉपुलर चॉइस अलग पूछ ले और राज्य वाला अलग पूछ ले। तो सरकार वाला उत्तर प्रदेश है और पॉपुलर चॉइस महाराष्ट्र वाला आपको अलग रखना पड़ेगा। दूसरा स्थान कर्नाटक की झांकी को मिला है। इनका थीम था पारंपरिक हस्तशिल्प का पालना, यानी इनका था कैराडल ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। तीसरा स्थान मेघालय को मिला है। मेघालय का 50 सालों का राजस्व और महिला संचालित सहकारी एवं संघों को स्वयं सहायता समूह सम्मान पर अपनी झांकी के लिए दिया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना होता है तीनों सेना की मार्च टुकड़ी में, हमारी तीनों सेना कौन सी है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इनकी जो मार्च होती है टुकड़ी होती है उनमें से सर्वश्रेष्ठ जो दिया गया है वो भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना को दिया गया। वो किसको दिया गया है, भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्च टुकड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में ये सीआरपीएफ को गया, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, भारतीय नौसेना याद रखिएगा, मार्च टुकड़ी में ये दिया गया, ठीक है। अच्छा अब इतना सारा हमने पढ़ लिया, मुझे ये बताओ इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया वो कौन से नंबर का था। इस बार हमने जो गणतंत्र दिवस मनाया वो कौन से नंबर का, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, बढ़िया। बताइए बताइए कौन सा नंबर का गणतंत्र दिवस था। वेरी वेरी गुड, 73 नंबर का गणतंत्र दिवस था। अच्छा इस बार चीफ गेस्ट कौन थे, चीफ गेस्ट कौन थे हमारे इस बार, चीफ गेस्ट कौन थे, कोई नहीं आ पाया था। 5 सेंट्रल एशियन कंट्री को बुलाया गया था, 5 मध्य एशियाई देशों को बुलाया गया था। कौन कौन सा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, के फॉर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये, तो इनको बुलाया गया था। ये 5 एशियन कंट्री हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। 2 K हैं 2 T हैं और 1 U है, ये 5 एशियन कंट्री हैं, 2 K हैं 2 T हैं 1 U है, तो इनको बुलाया गया था लेकिन कोई आ नहीं पाया था कोविड की वजह से, हमें कोविड हो जाएगा तो हम नहीं आएंगे, कोई नहीं आया, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और देखिए, ये बढ़िया पुरस्कार है लेकिन ध्यान रखिएगा अभी इनको सूची में शामिल किया गया है, अभी मिला नहीं है, लेकिन सूची में भी शामिल होना अपने आप में बड़ी बात है भाई। डगलन थायमस, क्या होता है, थॉमस पुरस्कार, डगलस थॉमस पुरस्कार है, ये बड़ा ही बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। 39 वर्ष से कम आयु के जो लेखक होते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, उनको ही ये पुरस्कार दिया जाता है, तो बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो फिलहाल ये दिया गया है निधि जग, किसको दिया गया, निधि जग को। तो डबलिन स्थित भारतीय कवित्री निधि जग, एरिया का पहला कविता संग्रह आर्ग्यूज ऑफ ए माइनर गॉड, आर्ग्यूज ऑफ ए माइनर गॉड को £20,000 की कीमत का, माय गॉड, डायलन थॉमस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इसमें 8 उपन्यास शामिल हैं, 2 कविता संग्रह हैं और 2 लघु कहानी संग्रह हैं। 2006 में यह पुरस्कार शुरू किया गया था और 39 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिया जाता है। £20,000 जो राशि है वो इसमें दी जाती है। फिलहाल भारत की जो निधि जक है वो इसमें शामिल हो गई है, तो इनकी जो पुस्तक है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, आर्ग्यूज ऑफ ए माइनर गॉड, आर्ग्यूज ऑफ ए माइनर गॉड, आर्ग्यूज ऑफ ए माइनर गॉड किसकी पुस्तक है, निधि जक की पुस्तक है। ये कविता संग्रह है जिसको डायलन थॉमस पुरस्कार के अंतर्गत शामिल किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये पुस्तक किसकी है तो याद रखिएगा निधि जक की, बहुत ढंग से याद रखिएगा। अब आप सोच रहे हो सर लिटरेचर प्राइज करा देते तो मैं करा दूंगा, हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा हो लेकिन आपको समझ में आएगा। इस बार का बुकर 2021 जो गया वो किसको गया, हाँ हाँ बताइए बताइए, डेमन गलगुट को, उनकी उनकी पुस्तक द प्रॉमिस के लिए, उनकी पुस्तक। एक एक पुरस्कार को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें से एक ना एक प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और एक बार वीडियो शेयर कर देना। ये अगर तुमने देख लिया तो मान लो तुम्हारे महीनों के काम खत्म हो गए। लिटरेचर प्राइज 2021 के सारे हैं यहां पर, ठीक है चलिए ऐसे करते हैं। डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए, डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए। नोबल इन लिटरेचर किसको दिया गया, इस बार नोबल का साहित्य सम्मान किसको दिया गया, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, कहां के हैं, तंजानिया के। लिखने में टाइम जाता है इसलिए मैंने लिखी लिखा स्लाइड ले लिया, वरना मैं लिखने में टाइम जाता। पेन पिंटर पुरस्कार, पेन पिंटर पुरस्कार सिस्सी दगारेमंगा, सिस्सी दगारेमंगा
इनको अभी हाल ही में पीस प्राइज जर्मन बुक ट्रेड भी मिला था, जर्मन बुक ट्रेड का पीस प्राइज भी इनको दिया गया था। बुकर प्राइज, ये आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ये किसको गया था? डगलस स्टुअर्ट को। किसके लिए? सगी बेन के लिए। ये किसके लिए गया था? डगलस स्टुअर्ट को, सगी बेन के लिए। ये देखिए, ये 2020 का है, ये 2021 का है, तो पुराना भी पूछ सकता है, इसलिए 2020 का याद रखिए। 2020 में किसको गया था? डगलस स्टुअर्ट को, सगी बेन के लिए। 2021 में गया था डेमन गलगुट को, द प्रॉमिस के लिए। इसके बाद बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2021 का डेविड डियोप को, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये इंटरनेशनल प्राइज है, मतलब ये आप किसी भी भाषा में लिखे, लेकिन अगर आप उसको अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं तो आपको ये मिलता है। और इसे बुकर इंटरनेशनल प्राइज कहते हैं, उसे मान बुकर प्राइज भी कहते हैं। आगे वीमेन अवार्ड फॉर फिक्शन, महिलाओं को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है वीमेन अवार्ड फॉर फिक्शन। ये दिया गया था सुसाना क्लार्क को, उनके उपन्यास द पिरानेसी के लिए, उनके उपन्यास द पिरानेसी के लिए, PIRANESI। ठीक है, आगे आते हैं, साहित्य अकेडमी हिंदी 2020 का है, अनामिका टोकरी में दिगंत के लिए, अनामिका टोकरी में दिगंत के लिए। लेकिन 2021 के भी पुरस्कारों की घोषणा हो गई है, इस बार हिंदी में दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। किसको दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को, दया प्रकाश सिन्हा को, दया प्रकाश सिन्हा को, उनकी पुस्तक सम्राट अशोक के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया है? सम्राट अशोक के लिए। साहित्य अकेडमी हिंदी, साहित्य अकेडमी हिंदी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को, सम्राट अशोक के लिए। उसके बाद साहित्य अकेडमी इंग्लिश का पुराना वाला दिया गया था, पिछले साल वाला, अरुंधति सुब्रमण्यम को, व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए, व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए। इस बार किसको दिया गया है? इस बार दिया गया है नमिता गोखले को, इस बार किसको दिया गया है? नमिता गोखले को, नमिता गोखले को, अंग्रेजी का साहित्य अकेडमी पुरस्कार। अंग्रेजी वैसे तो दिया जाता है 24 भाषाओं में, 22 या 24 भाषाओं में, याद नहीं आ रहा मुझे। नमिता गोखले, मतलब आपके अनुसूची में शामिल जितनी भाषाएं हैं उसके अलावा दो भाषाओं में और दिया जाता है, तो 22 शायद वहां पे शामिल है, 22 तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। नमिता गोखले को दिया गया है थिंक टू लीव बिहाइंड के लिए, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। ठीक है, तो साहित्य अकेडमी जरूर याद रखिएगा, नए वाले आ गए अपडेट कर लीजिए। ठीक है, आ जाइए। ये पुराना वाला है बेटा, ये 2020 वाले हैं, और ये जो मैं बता रहा हूँ 2021 वाले हैं। साहित्य अकेडमी के पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, नमिता गोखले को इस बार दिया गया है अंग्रेजी में थिंक टू लीव बिहाइंड के लिए। व्यास सम्मान शरद पगारे जी को दिया गया है पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी के लिए। सरस्वती सम्मान दिया गया है आपके शरण कुमार लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले को, सनातन के लिए, मराठी भाषा के लेखक है। ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है 56, ज्ञानपीठ अवार्ड 56 दिया गया था नीलमणि फूकन को, असमिया भाषा के लेखक है। और दामोदर मौजे को कोंकणी के लेखक, इनको 57वां दिया गया है, इनको 56वां दिया गया है, 56 और 57 एक साथ घोषणा किए गए। ज्ञानपीठ अवार्ड नीलमणि फूकन, ज्ञानपीठ अवार्ड भारत का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है, और दामोदर मौजे कोंकणी भाषा के लेखक है। नीलमणि फूकन किसके हैं? हाँ जी, नीलमणि फूकन किसके हैं ये बताइए। चलो, एजुथाचान पुरस्कार केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, पी वलसाला को दिया गया। किसको दिया गया? पी वलसाला को। इसके बाद जेसीबी लिटरेचर प्राइज, जेसीबी लिटरेचर प्राइज एम मुकुंदन को, दिल्ली ए सोलिलॉक्वी के लिए, दिल्ली ए सोलिलॉक्वी के लिए, दिल्ली ए सोलिलॉक्वी के लिए। हटा दूं स्लाइड, याद हो गए? हटा दूं स्लाइड, याद हो गए? शेयर कराओ भाई, तुम लोग जब भी मैं पुराना स्लाइड पढ़ाता हूं तुम लोग भाग जाते हो, ऐसा मत किया करो, पूरी ताकत से एक बार शेयर कराओ, है ना। तो ये इसमें से एक आएगा, डेफिनेट आएगा, थोड़ा आराम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट दे देंगे यहां पर, लेकिन आपका पूरा अवार्ड कवर हो गया 2021 का, जितना भी साहित्य सम्मान था, तो आएगा आएगा। किस सब कितने लोगों लग रहा है कि यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा? दिल से बताना, आप ईमानदारी से बताओ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहां से एक क्वेश्चन आएगा, चलो बत्तीस ही दिखाओ, कोलगेट से मंजन की हो कि नहीं की हो। ठीक है, पक्का आएगा ना, चलो बत्तीस ही दिखाओ सब लोग, ई करके कोलगेट वाला। आगे चलते, हाँ भाई सुपर कंप्यूटर, भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगम को कहां पर अपॉइंट किया गया है? देखिए, बहुत कुछ सुपर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न बनता है, बन सकता है। तो फिलहाल ये आईएससी बेंगलोर में लगाया गया है, क्या करेगा? मौसम संबंधी भविष्यवाणी करेगा, जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहे हैं उनके बारे में भविष्यवाणी करेगा। सुपर कंप्यूटर होता क्या है? सुपर कंप्यूटर कई सारे कंप्यूटरों का एक समूह होता है, जिसे हजारों लाखों गणनाएं की जा सकती है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है, अब आप समझिएगा, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? फुगाकू। उसकी स्पीड है 443 टेराफ्लॉप,
443 टेराफ्लॉप, नहीं पेटाफ्लॉप, पेटाफ्लॉप, टेरा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पेटाफ्लॉप 443 पेटाफ्लॉप, 443 फुगाकू जापान का। हमारे पास जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि। परम सिद्धि को अभी पिछले बार, हर दो साल में सुपर कंप्यूटिंग की रैंकिंग निकलती है, परम सिद्धि को पिछले साल 63वें नंबर का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना गया। इसकी स्पीड जो है वो 4.6 पेटाफ्लॉप। अब सोचो, भारत का 4.6 सबसे तेज, जापान का सबसे तेज 443, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत और जापान में कितना अंतर है, भारत और जापान में कितना अंतर है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। फिलहाल अगर आपका जो परम सिद्धि है, भारत की जो ओवरऑल गणना है, भारत में वर्तमान समय में कितने सुपर कंप्यूटर है, 10 सुपर कंप्यूटर है भारत, और भारत का जो ओवरऑल हमारा कैलकुलेटिंग कैपेसिटी है वो 17 पेटाफ्लॉप, 17 पेटाफ्लॉप। आपको लोग कह रहे हैं सर पेटा का मतलब क्या होता है, देखिए किलो का मतलब होता है 10^3, मेगा का मतलब होता है 10^6 किलो मेगा, जीगा का मतलब होता है 10^9, फिर आता है पेटा, पेटा का मतलब होता है 10^12, और फिर आएगा आपका टेरा, टेरा मतलब 10^12, 3 15, 10^15। तो ये आपका पूरा क्रम होता है इसी तरीके से। इनका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आप एक पेटाफ्लॉप के हिसाब से चल रहे हैं, तो 1015 इंस्ट्रक्शन जो है वो पर सेकेंड कैरी आउट कर सकता है। आप एक बार में कितने इंस्ट्रक्शन कैरी आउट कर सकते हैं, मानव दिमाग एक बार में 4 इंस्ट्रक्शन कैरी आउट कर सकता है, ऐसी क्षमता है। आइंस्टीन का दिमाग 8 इंस्ट्रक्शन एक बार में कैरी आउट कर सकता था, हमारा 4 कर सकता है। एक बुद्धू आदमी होगा जिसको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा, वो एक भी इंस्ट्रक्शन को एक बार में कैरी आउट नहीं कर सकता। तो ये मतलब है इसका, पेटाफ्लॉप की स्पीड है नापने का तरीका। भारत में जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो परम सिद्धि है। ये जो परम प्रवेगम आया है ये 3.3 पेटाफ्लॉप का है। इसका स्पीड कितना है, 3.3 पेटाफ्लॉप, किसका, परम प्रवेगम का। ये कहां पर लगाया गया है, ये आपका आईएससी बेंगलोर में लगाया गया है, परम प्रवेगा इसका नाम रहेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब आपको पूरा बता देंगे, परेशान ना हो, प्रत्युष के बारे में भी बता देंगे। भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगम को भारतीय विज्ञान संस्थान आईएससी बेंगलोर में स्थापित किया गया है। इसकी कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेटा फ्लॉप है। नाम याद रखिएगा, ये क्षमता याद रखिएगा, 3.3 पेटा फ्लॉप है, ठीक है। भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था। हमने रशिया से मांगा कि भैया हमको दे दो परम सुपर सुपर कंप्यूटर उनको दे दो, रशिया बोले हटाओ, क्या अच्छा हमको दिखाई दो, तो रशिया ने हमको दिखा दिया था एक बार सुपर कंप्यूटर, बस उसके बाद से हम बना रहे हैं सुपर कंप्यूटर परम 8000। इसके अलावा भारत में सुपर कंप्यूटिंग मिशन चल रहा है जिसे बोला जाता है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इस मिशन के बारे में थोड़ा सा जरूर जान लीजिए। इस मिशन को मार्च 2015 में शुरू किया गया था कि 7 वर्षों की अवधि के दौरान, यानी 2015 से लेकर 2022 तक भारत में हम सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। इसकी अनुमानित लागत 4500 करोड़ रुपए रखी गई, और इस सुपर कंप्यूटिंग के अंतर्गत हमें क्या करना था, 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना था, और इसके लिए डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत इसको रखा गया। ये आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक, सीडेक का मुख्यालय बेंगलोरु में भी है, पुणे में भी है, तो वहां के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत में बात की जाए तो प्रथम चरण में हमने परम शिवाय बनाया था जो हमने आईआईटी बीचू को दिया, परम शक्ति जो हमने बनाया वो आईआईटी खड़गपुर में लगा हुआ है, परम ब्रह्म जो बनाया वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च आईआईएससीआर पुणे में लगा हुआ है, और परम संग्रह को जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च में स्थापित किया गया। हाल ही में परम सिद्धि को विश्व के सबसे सुपर शक्तिशाली कंप्यूटर में शीर्ष 500 की सूची में 63वां स्थान हासिल हुआ था। परम सिद्धि के बाद हमारा प्रत्युष आता है। परम सिद्धि के बाद कौन सा आता है, प्रत्युष। प्रत्युष जो है ये आपका पुणे में लगा हुआ है मौसम विज्ञान केंद्र में। प्रत्युष जो है उसको 78 रैंकिंग मिली थी। प्रत्युष के बाद हमारा मिहिर आता है। मिहिर को हमारा 146 रैंक मिला हुआ था। कौन सा रैंक मिला था, 146 मिला था। तो प्रत्युष को 78 रैंकिंग मिला हुआ है, परम सिद्धि को 63 मिला हुआ है, मिहिर जो इसके बाद आएगा 146 मिला हुआ। याद हो गया, कुछ याद नहीं करना है, बस आपको ये कुछ भी याद नहीं करना है, आपको ये याद रखना है पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भारत में कौन सा है, परम सिद्धि, रैंकिंग कितनी है 63, उसके बाद कौन आएगा, प्रत्युष आएगा 78, फिर कौन आएगा, मिहिर आएगा 146। अभी इसके बाद अब आपका नंबर आएगा परम प्रवेगा का, ठीक है। याद हो गई बात, इतनी तो याद कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बताइए, एक सेकेंड रुकना जरा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहां पे। ये जो मैंने आपको बताया ना टेरा, टेरा का 10^12 होता है, पेटा उसके बाद आता है, पेटा 10^15 होता है, पेटा फ्लॉप बोला 10^15 होता है, ये याद रखिएगा, उल्टा हो गया है,
आप टेढ़ा और पेटा उल्टा हो गया, टेढ़ा ऊपर होना चाहिए था, पेटा नीचे होना चाहिए था। इसको भी याद रखे, कभी कभी पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम शुरू किया? एक्चुअल में क्या है, कोविड 19 की वजह से स्कूल खुल नहीं रहे थे, तो बांग्ला पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये कोशिश की है कि स्कूल जहां पे बच्चे रहते हैं वहीं पे ग्रुप में उनको ओपन एयर में पढ़ाया जाए, क्लास के अंदर ना पढ़ाया जाए। तो स्कूलों को एक अलग तरीके से खोलने की योजना बनाई गई है और इसका नाम रखा गया है परय शिक्षालय। परय मतलब बाहर आपको पढ़ाया जाएगा। ये किसने शुरू किया है? ये वेस्ट बंगाल ने शुरू किया है, पश्चिम बंगाल ने यहाँ पर शुरू किया है। पड़ोस में ही आपका स्कूल मिल जाएगा, यानी कि आप अपने घर के बाहर ही अपने स्कूल को पालेंगे। इसके लिए जो प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक हैं उनको घर घर जाकर के बार बार बच्चों को किनारे किनारे पढ़ाना होगा, वहां पे मिड डे मील भी उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। वेस्ट बंगाल की बात करें तो अभी हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव के लिए वेस्ट बंगाल को स्कॉच पुरस्कार मिले थे, वो भी चार चार स्कॉच पुरस्कार दिए गए। अभी हाल ही में वहां पर लक्ष्मी भंडार योजना का शुरुआत किया गया। इसके अलावा अभी उन्होंने कोशिश की है कि वहां पर एक विधान परिषद का गठन हो जाए। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, तो वहां पर एक विधान परिषद का गठन करने के लिए भी वहां पर उन्होंने घोषणा की है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में मदर्स प्लान लॉन्च किया, यानी कि माँ किचन माँ योजना की शुरुआत की है, माँ योजना की शुरुआत की है, खेला ओबे। इसके अलावा आपको याद रखना चाहिए एक और चीज कहां गया। हाँ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की, ये काफी है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के जरिए जो वेस्ट बंगाल वाले लोग हैं वो 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन ले सकते हैं। अब जो लोग वेस्ट बंगाल वाले वो बताएं भाई 10 लाख रुपए का लोन मिला उन्हें कि नहीं मिला। फिलहाल बक्सा बर्ड सेंचुरी जो है वेस्ट बंगाल में है। वेजिटेबल प्रोडक्शन में इस बार वेस्ट बंगाल ने टॉप किया था, जबकि आंध्र प्रदेश ने फ्रूट यानी कि फल उत्पादन में इस बार टॉप किया था। पश्चिम बंगाल की बात करें तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, गवर्नर जगदीप धनखड़ है, स्टेट एनिमल फिशिंग कैट है, किंग फिशर जिसे नीलकंठ भी कहते हैं वो स्टेट बर्ड है, चतियान जो है वो स्टेट ट्री है, फॉक डांस छाऊ लाठी गोम्बिरा प्रमुख डांस फॉर्म है, नेशनल पार्क सिंगा लीला नेशनल पार्क, बुक्सा सुंदरवन नेशनल पार्क है। लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 26 जनवरी 1950 को वेस्ट बंगाल पूर्ण राज्य का दर्जा पाया था। टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट अभी आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कमालपुर में तीसरे सीमा हाट की आधारशिला रखी है, ये भारत और किस देश के बीच में संबंध बना था? त्रिपुरा की बात करें तो बांग्लादेश से ही सीमा बनाएगा, उसमें क्या कहने वाली बात है? तो आपको पता है बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में एक ब्रिज है जिसका नाम क्या है, मैत्री ब्रिज। मैत्री ब्रिज जो है ये किस नदी पर बना हुआ है, ये फेनी नदी पर बना हुआ है। ये किस नदी पर बना हुआ है, फेनी नदी पर बना हुआ है। और त्रिपुरा में एक जगह है समरूम, त्रिपुरा में एक जगह है समरूम, समरूम से आपके बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है, समरूम से आपके बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है। कितने किलोमीटर लंबा पुल है, ये 1.5 किलोमीटर लंबा पुल है, 1.5 किलोमीटर लंबा पुल है, और इसे मैत्री सेतु के नाम से भी जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में बना हुआ है। और यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बारे में आपको पता ही है कि 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी हमने, इसलिए बांग्लादेश से हमारे संबंध जो है वो काफी अच्छे हैं। तो यहाँ पर कई बार पोस्ट बनाई गई है, यहाँ पर एक बाजार डेवलप किए जा रहे हैं ताकि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भारत में खरीदारी कर सके, मतलब सीमा पर बाजार डेवलप किया गया है। उसी तरीके के कमालपुर सीमा पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी ने धलाई जिले के कमालपुर में तीसरे भारत बांग्लादेश सीमा हाट की आधारशिला रखी है। ये एक तरह का बाजार है जहां पर दोनों लोग जो 5 किलोमीटर एरिया के आसपास जो लोग रहते हैं वो इस बाजार में आकर के खरीदारी कर सकते हैं। तो सीमा हाट को कमालपुर कुमारघाट बॉर्डर हाट के नाम से भी जाना जाएगा। ये भारत के सांस्कृतिक, भारत और बांग्लादेश के सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश 26 मार्च को आजाद हुआ था, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश पूर्ण राज्य बना था, मतलब एक देश बना था। नेशनल एनिमल बंगाल का है बंगाल टाइगर, नेशनल बर्ड है ओरिएंटल मैगीपी रॉबिन, नेशनल फ्रूट है जैक फ्रूट यानी कटहल, नेशनल ट्री है मैंगो ट्री। ईद उल फितर, ईद उल अजहा, मुहर्रम प्रमुख त्यौहार है जो बांग्लादेश में मनाए जाते हैं। वर्तमान समय में प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। शेख हसीना जी को अभी हाल ही में एनडीजी अवार्ड दिया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनडीजी प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया था, प्रोग्रेस यहाँ पे छूट गया है, प्रोग्रेस लिख लीजिए, प्रोग्रेस अवार्ड एडीजी प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया था। अच्छा एक चीज मुझे और याद आती है, सादत रहमान का आपने नाम सुना होगा, सादत रहमान जो है उनको इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस अवार्ड यानी अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कब, 2020 में। 2021 में इंटरनेशनल चाइल्ड पीस अवार्ड किसको दिया गया, आपको याद है, आपको याद है, विहान और नव अग्रवाल। इंटरनेशनल चाइल्ड पीस अवार्ड, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, विहान और नव अग्रवाल, विहान और नव अग्रवाल को दिया गया। किसको दिया गया, विहान और नव अग्रवाल को यह पुरस्कार दिया गया है इंटरनेशनल जी। और बात करें संप्रीति, संप्रीति पिछले साल नहीं हुआ है, अंतिम संस्करण जो संप्रीति का हुआ था वो आपका 9वां संस्करण था, अंतिम जो हुआ था वो आपका 9वां संस्करण था। इसके अलावा अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका और भूटान की सेनाओं के बीच में सांतिर ऑग्रो सेना हुआ है,
शांतिर अग्रसेना एक एक्सरसाइज हुआ है, यह आपका बांग्लादेश में आयोजित किया गया। इसमें भूटान था, इसमें इंडिया था, इसमें श्रीलंका था और इसमें बांग्लादेश था। तो ये चार देशों के मिलकर के ये अभ्यास हुआ था, शांतिर अग्रसेना। कहां पर हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान को 2019 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि 2020 के लिए काबूस बिन अल सैद को यहां पर सम्मानित किया गया था। जोगा जोग का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। जोगा जोग जो है फेसबुक का, वहां पर एक अलग वर्जन चल रहा है, मतलब ये बांग्लादेशी वर्जन है फेसबुक का, फेसबुक का नहीं है ये, बांग्लादेश ने खुद डेवलप करवाया अपना एक सोशल मीडिया साइट जिसका नाम क्या रखा है, जोगा जोग, जिसका नाम क्या रखा है, जोगा जोग रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हाल ही में एक चीज और, ब्रिक्स देशों में, ब्रिक्स बैंक के अंदर कुछ देश शामिल किए गए, उसमें से यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे है। कौन से देश जो ब्रिक्स देशों, ब्रिक्स बैंक में शामिल किए गए हैं? ब्रिक्स बैंक के अंदर का शामिल किए गए आपके, ब्रिक्स बैंक के अंदर का यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे को अभी हाल ही में ब्रिक्स बैंक में जगह दी गई है। ये भी तो न्यूज बांग्लादेश से जुड़ी हुई थी, नहीं जुड़ी हुई थी। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या चलती है? मुद्रा क्या चलती है? टका। सबसे ऊंची चोटी है केकरा डोंग और सबसे बड़ी नदी है सुरमा। सबसे ऊंची चोटी क्या है? केकरा डोंग और सबसे बड़ी नदी है, है ना? ये कैरेट नाम का एक अभ्यास हुआ था अभी बांग्लादेश और यूएस के बीच में। कैरेट नाम का एक अभ्यास हुआ था अभी बांग्लादेश और यूएस के बीच में। अपनी 1000वीं रेल यात्रा के दौरान किसान रेल सावदा महाराष्ट्र से कहां तक चलेगी? तो इसमें प्रश्न यही बनता है कि पहली कहां से चली थी, 100वीं कहां से चली थी और ये 1000वीं यात्रा कहां पर कंप्लीट हुई। तो ये किसान रेल है जो है वो किसान उत्पाद को एक जगह से दूसरे उत्पाद तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। 1000वीं किसान रेल जो है ये आपकी आसनी व्याख्या मिलकर रेलवे किसान रेल 1000 डब्बी दिखाई। ये सावदा महाराष्ट्र से 23 डिब्बे वाली ट्रेन आदर्श नगर नई दिल्ली पहुंची है। ये कहां से चली है? सावदा महाराष्ट्र से नई दिल्ली, आदर्श नगर नई दिल्ली। पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से बिहार के दानापुर तक चली थी। इसके अलावा दक्षिण भारत की पहली किसान रेल आनंदपुर से नई दिल्ली के बीच चली थी। 100वीं किसान रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चली थी। याद रखिए, पहली, 100वीं और 1000वीं। पहली महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक, 100वीं महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक, और ये वाली सावदा महाराष्ट्र से आदर्श नगर नई दिल्ली तक। तो ऑलमोस्ट यही आपको करना। बहुत बढ़िया, शेयर करो भाई एक बार कस के। क्या बात है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा क्या? इतना चिल्ला रहा हूं मैं और फिर भी तुम लोगों को दया नहीं आ रही मेरे पास। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, अर्जित पटेल जो है वो AIIB में गए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। नरेंद्र कुमार गोयनका जो है ये AECP बनाए गए, AECP के निदेशक। AECP का मतलब होता है अपेरल एक्सपोर्ट एप्रो, मतलब निर्यात समर्थन परिषद है, काउंसिल फॉर प्रमोशन, है ना? अपेरल एक्सपोर्ट काउंसिल फॉर प्रमोशन, यानी कि निर्यात समर्थन परिषद, निर्यात समर्थन परिषद के हेड बनाए गए। राइट आंसर होगा GS श्रीनिवास मूर्ति। और जी अशोक कुमार जो है नेशनल क्लीन गंगा मिशन के हेड बनाए गए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के हेड बनाए गए। तो GS श्रीनिवास मूर्ति को हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया है। DRDO के जो हेड हैं वो वर्तमान समय में जी सतीश रेड्डी ही रहेंगे। डॉक्टर दशरथ राम अब यहां से सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उनकी जगह मूर्ति जी लाए गए हैं, श्रीनिवास मूर्ति जी लाए गए हैं। DRDL की बात की जाए तो DRDL की स्थापना 1961 में नई दिल्ली में की गई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान समय में हैदराबाद में, ये लेबोरेटरी है। जबकि DRDO की बात की जाए तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। अभी हाल ही में 1 जनवरी को DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया था। DRDO के हेड कौन है वर्तमान समय में? जी सतीश रेड्डी। DRDO ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया? 64वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया। इसके अलावा NA श्रीनिवास मूर्ति का नाम याद रखिएगा, DRDL के हेड बन गए। एक और अपॉइंटमेंट, सरकार ने भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं आपके रवि मित्तल जी। कौन है? रवि मित्तल जी, IBBI। IBBI एकदम नई संस्था है और इसके ये दूसरे चेयरपर्सन है। इसके ये कौन से चेयरपर्सन है? दूसरे चेयरपर्सन है। अभी तक क्या थे? नवरंग सैनी जो है वो एक्स्ट्रा प्रभार संभाल रहे थे, क्योंकि MS साहू जो है वो सेवानिवृत्त हो गए थे। यानी भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के हेड कौन बना दिए गए हैं? रवि मित्तल। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात की जाए तो 1 अक्टूबर 2016 में ही इसकी स्थापना
हुई है ताकि जो कंपनियां दिवाला हो जाती हैं या उनके बारे में जांच वांच करने के लिए, उनको रेगुलराइज करने के लिए, ताकि कोई भी चीज अपने आपको दिवाला फर्जी में घोषित ना कर सके, इसके लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक का प्रभार किसे दिया गया है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, यह है सीजीए। ध्यान रखिएगा, सीजीए जो है ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। वर्तमान समय में सोनाली सिंह जो आपकी असिस्टेंट सीजीए थी, उनको यहां पर अपॉइंट करके प्रमोशन दिया गया है, सीजीए बनाया गया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। भारत में एक चीज और होती है, कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। इसका वर्तमान समय में आपके जीसू मुर्मू जो है वो आपके कैग है, जीसी मुर्मू कैग है, और कैग को हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 148 यानी 148 में वर्णित किया गया है। पहले हमारे जो कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, जिन नियंत्रक में महालेखा परीक्षक कौन थे, वी नर हरि राव जो है वो भारत के पहले नियंत्रक में महालेखा परीक्षक थे। ये एकदम इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। इसका मेन काम ये होता है कि सरकार ने जो आय और व्यय किया है उसका लेखा जोखा रखना, और सरकार कहां पर कैसे अकाउंट में व्यय करेगी, क्या उसका होगा, क्या वो सारी जो क्रियान्वयन होता है वो सीएजी द्वारा, तो वो अलग चीज हो जाता है। ये एक जांच टाइप की एजेंसी होती है, वो काम करने वाली एजेंसी होती है, दोनों में फर्क ही है। ठीक है, तो अभी दीपक दास जो है वो रिटायर हो गए हैं, दीपक दास की जगह कौन आ गई है, सोनाली सिंह जो है वो यहां पर अपॉइंट हो गई है। अब बारी है आज के वन लाइनर की। दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। भारत ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार करने का फैसला किया है। ये खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? बीजिंग में। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 49 इंटरलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो वो है स्पेसएक्स। गणतंत्र दिवस परेड 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार के रूप में किसे चुना गया? उत्तर प्रदेश को। भारत में जन्मी किस कवि थी? निधि जग को अभी डायलन थॉमस पुरस्कार से सम्मानित किया, मतलब सूची में शामिल किया गया है। आर्ग्यूज ऑफ ए माइनर गॉड। भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक परम प्रवेगम को किस संस्थान द्वारा स्थापित किया गया? आईएससी बेंगलोर। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक का प्रभार किसे सौंप दिया गया है? सोनाली सिंह को। केंद्र सरकार ने छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा प्रोग्राम परह शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कमालपुर में तीसरे सीमा आज की आधारशिला के बाद किस देश की सीमा पर है? बांग्लादेश। असम अपनी 1000वीं यात्रा के दौरान किसान रेल ने सावदा महाराष्ट्र से कहां तक की दूरी तय की है? आदर्श नगर नई दिल्ली। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जीएस श्रीनिवास मूर्ति। सरकार ने भारतीय दिवाला ऋण शोधन यानी आईबीबीआई का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है? रवि मित्तल को। ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थे। कल आपसे एक प्रश्न पूछा गया। अच्छा, अभी एक और अनाउंसमेंट, अगर आप ग्रुप डी देने जा रहे हो, सीबीटी 2 देने जा रहे हो या सीजीएल टीयर 1 देने जा रहे हो, तो इसका एक मॉक लाइव है ऑली बोर्ड पर। आप ऑली बोर्ड पर जाकर के ये मॉक दे सकते हैं। कल भी था, आज भी है, आज भी होगा और कल भी होगा, मतलब 5 और 6 फरवरी तक आप ये मॉक दे सकते हैं। जाइए, अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करिए। और कल हमने एक प्रश्न पूछा था आपसे कि जानवरों की प्रजातियों में अधिकतम संख्या निम्नलिखित में किस समूह से संबंधित है? तो वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये लार्जेस्ट है एनिमल किंगडम का, और अराउंड 2/3 जो हमें जान में है, हमारे जो जो भी आपकी प्रजातियां हैं उनमें से 2/3 जो है वो इसी के अंतर्गत आती है। इसमें इंसेक्ट आ जाते हैं, इसमें आपके कीड़े वगैरह सब आ जाते हैं। और आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये प्रश्न आप कहां पे लिखेंगे? आज वीडियो के कमेंट सेक्शन पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, टाटा। 1 साल का करंट अफेयर, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 1 साल का करंट अफेयर। आज काफी कम लाइव रहे, बड़ा दुख रहा मुझे इस बात का। चलिए, हो सकता है टाइमिंग की वजह से ऐसा इशू रहा हो।